अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द ऑनलाइन सपोर्ट्स प्रोग्राम। दिस इज़ योर टीचर हफ्सा फ्रॉम APS थम्याल। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ नंबर ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ lemon juice, cola drinks, apple, tomato contains acid substances such as drain cleaner, antacid tablet, baking powder, washing soda. These are basic in nature. We can eat them, we drink them, and our bodies also produce some acids and bases. Student, first of all, we will see that what is acid rain. In our environment, there are number of toxic gases like sulfur dioxide, means oxides of sulfur, oxides of nitrogens, oxides of carbon, like carbon monoxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen oxide. And there are water vapors in the environment. When these toxic gases get mixed with the vapors, they form acids. So this becomes acidic rain. This is called acidic rain. Acid rain can damage trees, kills huge areas of forest. It washes out aluminium ions from the soil. These aluminium ions run into rivers, lakes and ponds. Aluminium is very toxic to fish and other aquatic life. They can no longer survive in it and may be killed. Acid rain can also damage buildings and statues. The acid reacts with carbonates in the limestone. The limestone dissolves and statues gradually crumbles away. Thus, acid rain is an important environmental issue. So we can say that acid rain is very important environmental issue because it can destroy aquatic life, it can damage buildings, statues, etc. Second block is, do you know sulfur dioxide and oxides of nitrogen are also produced by smoking of cigarettes? Smokers breathe in a lot of sulfur dioxide over a long period of time. They have an increased risk of suffering from cold, bronchitis and asthma. हमें पता है कि smoking is very injurious to health. Smoking करने वाले लोगों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होती रहती हैं। अगर कोई स्मोकर बहुत लंबे अरसे तक स्मोकिंग जारी रखता है तो ऐसे लोगों में कुछ बीमारियों का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह से कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ हैं जिसमें ब्रीथिंग में मसला होता है। नाउ वी विल स्टार्ट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम इनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर टेस्ट देखा जाए तो एसिड सोर होते हैं, मींस खट्टे होते हैं, और जो बेसिस हैं वो बिटर इन टेस्ट होती हैं। लेबॉरेटरी में एसिड्स या बेसिस को चेक करने के लिए लिटमस पेपर यूज़ किए जाते हैं। लिटमस पेपर दो कलर्स में आते हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो एसिड उसका कलर चेंज करके उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेसिस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और अगर रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो एसिड उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, जबकि बेस उसको ब्लू कर देती है। और इसी तरह से अगर स्किन के ऊपर इनका इफेक्ट देखा जाए तो एसिड्स आर वेरी करोसिव इन नेचर, वेयर एज बेसिस हार्म स्किन टिश्यूज़। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन बेसिस एंड एसिड्स दोनों को अगर एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाए तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट था अरहेनियस का कंसेप्ट। In 1887, a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first successful theory of acids and bases. According to this theory, an acid is a substance that ionizes in water to produce H positive ions, and base in a substance that ionizes in water to produce OH negative ion. नीचे अगर आप example देखते हैं तो सबसे पहले HCl का reaction given है। HCl जब आयोनाइज होता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, मींस इसने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया। सेकंड जो है वो NaOH है, और जब NaOH को आयोनाइज करते हैं तो वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कंसेप्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं, और जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बेसिस की कैटेगरी में डालते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पे कुछ सब कॉमन यूजेस दिए हुए हैं, कुछ कॉमन एसिड्स के और कुछ कॉमन बेसिस के, ठीक है। जिस तरह से HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड हो गया, इसी तरह से अगर बेसिस देखी जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया जाता है, जिसे एंट एसिड भी कहा जाता है। एंट एसिड मीन्स अगेंस्ट एसिड, कोई भी चीज़ जिसको हम एसिड के अगेंस्ट, ऐसी मेडिसिन जिसे हम एसिड के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको हम एंट एसिड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके आगे ब्लॉक में कॉमन यूजेस दिए हुए हैं। अब जो आर्हेनियस का कंसेप्ट था वो किसी हद तक तो ठीक था, लेकिन कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस ऐसे थे जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो थे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिड से मैच करती थी, लेकिन आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक उन्हें एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो उनके पास तो एच है ही नहीं, सो वो कैसे एच प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली अमोनिया NH3 एक बेस है और आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको OH नेगेटिव प्रोड्यूस करना चाहिए था, बट वो यहाँ पे OH नेगेटिव कैसे प्रोड्यूस कर सकता है जबकि उसके पास ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं है। सो ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी आर्हेनियस के कंसेप्ट की उसको दूर करने के लिए देन इन 1923 जे एन ब्रॉन्स्टेड एंड टे एम लोरी इंडिपेंडेंटली प्रपोज एंड अदर थ्योरी टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्हेनियस थियरी। दिस थियरी इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। उसने कहा कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। एक बात याद रखनी है आपने, जो एच पॉजिटिव आयन है या एच है उसी को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सो एन एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर हो सकता है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है, यानी एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, देगा, और जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। नीचे आप एग्जांपल में जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे HCl गिवन है और एरो जो है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो HCl है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है वाटर को। सो अगर HCl हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो मींस इट इज़ एन एसिड, और बेस जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है इट इज़ बेस। नाउ कम्स टूवर्ड अमोनिया। हेयर यू कैन सी अमोनिया इज़ गिवन NH3। इसके ऊपर जो दो डॉट हैं वो इसलिए शो किए गए हैं बिकॉज नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर लिए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में अभी मौजूद हैं। साथ में हमने वाटर ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है, डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर है वो अपना प्रोटॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर रहा है, अमोनिया को डोनेट कर रहा है। सो यहाँ पे क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो वाटर एक्ट एज एसिड, और अमोनिया क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इट विल एक्ट एज बेस। अगर आप इक्वेशन को आगे देखें, जब एक प्रोटॉन ये अपना इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो ये NH4+ बन जाएगा आयन, और यहाँ पीछे जब ये अपना हाइड्रोजन वाटर लूज़ कर देगा तो OH नेगेटिव बन गया। सो अगर आर्हेनियस का कंसेप्ट रिवाइज़ किया जाए तो आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करती हैं। सो यहाँ पर अमोनिया ने OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड लोरी थेरी के अकॉर्डिंग भी अमोनिया एक बेस ही है। यहाँ पे जो दूसरा अहम पॉइंट है वो वाटर के बारे में है। आपने पिछले रिएक्शन में देखा कि वाटर वाज एक्टिंग एज बेस एंड इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ एक्टिंग एज एन एसिड। सो यू कैन से कि इन सम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सम टाइम वाटर एक्ट एज बेस, सम टाइम इट एक्ट एज एसिड। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज हों, यानी those who can act as acids and bases both, they are called amphoteric, means they are amphoteric in nature. Amphoteric in nature का मतलब होता है कि उनके पास acids की और bases की दोनों की properties मौजूद हैं। Next is society, technology and science। इसमें वही आपको acid rain के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो oxides होते हैं different सल्फर्स के या नाइट्रोजन वगैरह के, वो किस तरह से वाटर वेपर के साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन एयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। सो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये कंसंट्रेटेड एसिड्स बना देते हैं, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन
सॉरी नाइट्रिक एसिड बना हुआ है, और फिर ये रेन ड्रॉप के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं और ये डिफरेंट चीज़ों को, एक्वेटिक लाइफ को और हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, किस तरह से डैमेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 10.1 है, जिसमें हमने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना है एज एसिड्स एंड बेसिस, एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है, आपने इसको खुद अंडरस्टैंड करना है। सिमिलरली सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 है, इसका भी सोल्यूशन मैंने दे दिया हुआ है यहाँ पे, ये सॉल्व हुई हुई है, इसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, आफ्टर दिस सेकेंड कंसेप्ट एक थर्ड कंसेप्ट आया जिसको लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहा गया। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ एसिड्स और बेसिस ऐसी थी जिनके पास प्रोटॉन सिरे से मौजूद ही नहीं था, हाइड्रोजन था ही नहीं, सो उनके लिए ये कहना कि वो प्रोटॉन डोनर है ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, या प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं ये चीज़ नामुमकिन सी नज़र आती थी। जिस तरह से सब्सटेंसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज एसिड्स आर बेसिस ऑल्दो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट आर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस थ्योरी आर बाय द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। यानी इन कंपाउंड्स की एसिडिटी या बेसिसिटी को प्रूव करने के लिए ना तो आर्हेनियस की का कंसेप्ट और ना ही ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी इनफ थी। देन अ थर्ड साइंटिस्ट इन 1923 जी एन लिविस प्रपोज्ड एन एसिड बेस्ड थ्योरी दैट फोकसेस ऑन रिएक्शन। दिस कंसेप्ट इज मोर जनरल देन आइदर द आर्हेनियस थ्योरी आर द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। अ लिविस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड अ लिविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू लिविस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और रिजल्टिंग में क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो HCl और वाटर वाली एग्जांपल दोबारा गिवन है। अगर आप वाटर पे गौर करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन सिक्स ग्रुप का मेंबर है, इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हुए हैं, और बाकी के चार इलेक्ट्रॉन दो पेयर्स की फॉर्म में अभी ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद हैं। मींस इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। साथ में HCl गिवन है, HCl में क्लोरीन है और साथ में हाइड्रोजन है। अब अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन को देखा जाए तो क्लोरीन सेवन्थ ग्रुप का मेंबर होता है और उसके आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया हुआ है यहाँ पे। और जो क्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन है उसके तो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हाइड्रोजन ही है। सो अगर आप एरो को देखते हैं तो ऑक्सीजन से एरो हाइड्रोजन पे जाता है एंड देन इस बॉन्ड से क्लोरीन के पास चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो उसने हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, सो H3O पॉजिटिव आयन बन गया, और ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया क्लोरीन ने, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन बन गया। सो HCl क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है सो इट इज़ एसिड, एंड वाटर इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सो इट इज़ बेस। सिमिलरली यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल अमोनिया की और HCl की गिवन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अमोनिया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर HCl को डोनेट कर देता है। सो अमोनिया इज़ अ बेस, और क्योंकि HCl इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है सो इट इज़ एक्सेप्टर एसिड। फिर यहाँ पे एक बात ये इसकी एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि किसी भी लिविस एसिड के लिए ज़रूरी है कि उसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अभी पीछे मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने HCl में देखा कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, दैट्स वाई हाइड्रोजन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, डेफिनेटली वही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.2 है एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.2 है, इसका सोल्यूशन भी गिवन है। ओके, सो ये तीन कंसेप्ट थे एसिड्स एंड बेसिस के, और फाइनली एसिड्स और बेसिस को कम्प्लीटली कैटेगराइज कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, द पीएच स्केल।
यहाँ पे एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयंस में कन्वर्ट होना। जैसे मैं वाटर की बात करती हूँ, कुछ वाटर को जब उसकी आयोनाइजेशन करवाई जाए तो वो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। सो आयंस में जब कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि जब वाटर के ही मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो उसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। हाईली पोलर होने का मतलब है कि उनके उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे होते हैं तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो अपना हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है। सो एक H3O पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा जो है वो OH नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2H2O H3O प्लस OH नेगेटिव। द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आयंस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ सिंपल आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसको सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। अगर आप सिंपल एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इट्स सिंपली कन्वर्टेड इन टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन। अब वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जिसमें आयोनाइजेशन, अगर उसको 25 डिग्री पे आप लेते हैं, 25 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे अगर आप लेते हैं तो वाटर की आयोनाइजेशन ना होने के बराबर है। वाटर बहुत ही कम, इतना कम कि आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर आयोनाइज होता है, मीन्स अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। तो हम उसको कहेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर रहा। सो अगर हमने ये कहा कि वो आयोनाइज हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमने कहा बहुत कम हो रहा है उस टाइम पे। उस जब उसकी आयोनाइजेशन हो रही है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, हमेशा उनकी कंसंट्रेशन आयंस की इक्वल होगी। और वो कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? 1×10⁻⁷ के इक्वल। तो अगर हम इसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है, तो जो ये वाला रिएक्शन आपके पास गिवन है, हमेशा केसी किस तरह से लिखी जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2O कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो उसकी जो आयोनाइजेशन है 25 डिग्री पे वो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है। तो हम वाटर को नीचे से उठा के केसी के साथ शिफ्ट कर देते हैं। अब केसी भी एक कांस्टेंट है, वाटर भी एक कांस्टेंट है, सो ये मिलके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको हम KW कहते हैं। KW इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर भी इसको कहा जाता है, और आयन प्रोडक्ट। आयन प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि एच पॉजिटिव आयन ओ एच नेगेटिव आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम तो इसको हम आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की हमने कहा था कि वैल्यूज़ इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल है? 1×10⁻⁷ एंड 1×10⁻⁷। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1×10⁻⁴ आ जाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इन 1909 द डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेन सोरेनसन प्रपोज्ड अ कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस एंड ओएच नेगेटिव आइंस बाय पीएच आर पीएच। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन थी तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक स्केल बना लिया जिसको पीएच या पीओएच के नाम से जाना जाता है। पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड पीओएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सल आइन। ओके, एक बात और आपने लिखते हुए हमेशा जहन में रखनी है कि जो पी है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, एच जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एच जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, और जो पी है वो पोटेंशियल वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो पी हमेशा स्मॉल लेटर में और एच कैपिटल लेटर में, सिमिलरली पी फॉर पी ओ एच। पी एच है क्या? पी एच इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अगेन आई एम रिपीटिंग, पी एच इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन। यानी आप एच पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन लें, उसकी वैल्यू लें और उसका नेगेटिव लॉग कैलकुलेट कर लें, तो वो किसके इक्वल आएगा? पी एच के इक्वल आएगा। अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर की पी एच हमेशा 7 होती है। अगेन रिपीटिंग, पी एच की जो प्योर वाटर है उसकी पी एच हमेशा
7 होती है। उसकी रीज़न क्या है, एक तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ले रहे होते हैं और हमने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो आयनाइजेशन ना होने के बराबर है, सो वहाँ पे एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होती है जो कि 1 × 10⁻⁷ है। सो अगर आप पी एच के लिए वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1 × 10⁻⁷ हमने एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ली, इसका नेगेटिव लॉग कैलकुलेट करते हैं तो 7 आ जाता है। सो प्योर वाटर की पीएच क्या है, 7, और हमें यह भी पता है कि वाटर जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। दस पीएच ऑफ वाटर इज 7, ऑल एक्वस सोल्यूशन विद पीएच 7 एट 25 आर न्यूट्रल। कोई भी सोल्यूशन है 25 डिग्री पे अगर उसकी पीएच 7 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। द सोल्यूशन बिकम्स इफ़ पी एच इज़ लेस देन 7, अगर पी एच लेस देन 7 है मीन 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो हम कहते हैं कि जो एच पॉजिटिव हैं उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और जो ओ एच नेगेटिव हैं उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि पी एच 7 से हायर है मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो सोल्यूशन बेसिक है और उस सिचुएशन में ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। Now, what is the importance of KW? KW is temperature dependent. ये temperature dependent है. In any aqueous solution at 25 degree, no matter what does it contains, the product of H positive ion concentration or H negative ion concentration is always 1 × 10⁻⁴. अब H positive की concentration कुछ भी है, OH negative की concentration आप कुछ भी ले लें, अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसके लिए शर्त क्या है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है, अब एच हो सकता है एच की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एच की कम हो, ओ एच की कम हो, एच की ज़्यादा हो, कुछ भी कंसंट्रेशन हो, उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 × 10⁻⁴ ही आएगा। उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 × 10⁻⁴ ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन लेट सपोज हम बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एच पॉजिटिव इज इक्वल टू एच नेगेटिव इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷, इट मीन्स सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल, यानी इसकी पी एच 7 होगी। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ग्रेटर है 1 × 10⁻⁷, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से ग्रेटर है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसका मतलब ये है कि एसिडिक होने के लिए पीएच हमेशा 7 से लेस होगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन ये जो 10 की पावर है -7 वो हमेशा ग्रेटर होने के लिए ज़रूरी है कि 10⁻⁷ की जो पावर है वो भी हमेशा -7 से कम हो। कम होने का मतलब ये है कि वो -8, -9 या -, यानी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी स्मॉल होती है, वो उतनी छोटी होती है। सिमिलरली अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से लेस है तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, मींस जो पीएच है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर हम ये टेबल देखें तो 7 पे प्योर वाटर गिवन है और 7 से ऊपर जो टेबल में अगर आप ऊपर देखें तो 6, 5, 4, 3 हर एक की पीएच के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं और उनकी पीएच कितनी हो सकती है। जिस तरह से अगर आप नॉर्मल यूरिन या सलाइवा की देखें तो उसकी 6 होती है, मतलब वो वीकली एसिड होता है, बहुत कम एसिडिक है, क्योंकि उसके बाद 7 आ जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। देन अगर आप टेबल में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो 8, 9, 10 पे सी वाटर जो है उसकी 8 है, बेकिंग सोडा की 9 है, देन इसी तरह से इंक्रीज़ होती जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है एग्जांपल 10.3 है, उसमें हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। इसको हम बिल्कुल ये जो हमने यहाँ पे ये वाला पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हम एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और अगर वो 1 × 10⁻⁷ से कम होगी तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, अगर ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे जो पहला वाला न्यूमेरिकल है उसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁶ है, तो -6 का मतलब ये है कि दैट इज़ ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁷। -7 से -6 बड़ी वैल्यू है, तो मतलब एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है वहाँ पे उन्होंने एच पॉजिटिव की जगह ओ एच नेगेटिव की वैल्यू दे दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, के डब्ल्यू वाला हमने
फॉर्मूला लिखना है, KW इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। तो ओ एच नेगेटिव की हमें वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁵, और साथ में KW की वैल्यू भी हमें गिवन है 1 × 10⁻¹⁴। सो यहाँ से कैलकुलेशन करके हम एच पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे। एच पॉजिटिव की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ आ गई। सो −9 का मतलब है कि −9 इज स्मॉलर देन −7। सो इफ़ एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इज लेस देन −7 या लेस देन 7, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन बेसिक है। सिमिलरली सेल्फ असेसमेंट है एक्सरसाइज 10.3। सिमिलर बिल्कुल जिस तरह से अभी मैंने दो एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनका सोल्यूशन है जो यहाँ पे आगे मैंने वीडियो लेक्चर में आपको दे दिया हुआ है। इसको आप खुद देखेंगे, इसको समझेंगे, जहाँ से आपको कोई बात समझ नहीं आएगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको स्लाइड्स भी अटैच कर दूँगी, सो जहाँ प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं। सिमिलरली एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी गिवन है। और इसी तरह से फर्दर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब भी करना है, और इस सब का सोल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिटन वर्क। सेल्फ असेसमेंट 10.1, 10.2, 10.3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 8, 9, 11 जितने भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन दे दिया हुआ है वो सारे आपने होमवर्क करना है। और ये बात आपने याद रखनी है कि राउंड 2 में आप जितना भी काम करेंगे वो आपने लूज शीट्स के ऊपर करना है, अपने रजिस्टर्स के ऊपर नहीं करना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।